700 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। इस बार हमने वर्ल्ड बिगेस्ट एक्वेरियम बनाया और अपने स्टोरेज सिस्टम को भी कंप्लीट कर दिया एंड ओवर 1 स्टैक से भी ज्यादा एंशिएंट डेब्री फाइंड किया ताकि हम अपने नेदरराइट बीकन को बनाने के एक कदम और करीब हो सके। एंड यार अकॉर्डिंग टू यूट्यूब बहुत से लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं वो एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं किए, तो अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में तुम एंटरटेन होते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इस बार हम एम करते हैं 5000 लाइक्स का। सो विदाउट एनी मोर बकवास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को अपने वर्ल्ड का टूर दे देता हूं। ये हमारा प्यारा सा डॉग शिरो और ये है उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मैंने नहीं रखा है, इसका नाम तुम लोगों ने रखा है पापा की परी। और ये रहा मेरा वो आधा अधूरा स्टोरेज सिस्टम जो मैंने 200 दिनों से आज तक कंप्लीट नहीं किया, बट इस बार हम इसको पक्का कंप्लीट करेंगे। तुम देख सकते हो कितना मेहनत किया था मैंने यहाँ पे फॉग इफेक्ट डालने के लिए। और ये रहा मेरा बिगेस्ट क्रीपर फार्म जो मेरे को पहले तो बहुत बड़ा लग रहा था, देन मैंने बाकी लोगों का देखा एंड रियलाइज हुआ कि इससे भी बड़ा हम क्रीपर फार्म बना सकते हैं। और अब मेरी फेवरेट चीज जो मैंने आज तक इस वर्ल्ड में बनाई है ये शीप, और इसके अंदर में इतने सारे जो शीप रहते हैं मेरे को लिटरली हर एक कलर का ये लोग वूल दे सकते हैं यहाँ से। और ये रहा हमारा आयरन फार्म जिसमें से फॉर सम रीजन विलेजेस गायब हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, इन फ्यूचर हम इसको भी फिक्स कर देंगे। और ये है हमारे प्यारे बिलवेड पटपट का घर। यहाँ पे पटपट और पटपट नहीं रहते हैं, और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पटपट कौन है तो बस इतना जान लो अभी के लिए कि पटपट इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये ड्रैगन एग हमेशा यही ऐसे रोड पे पड़ा रहता है। और ये है मेरा सुपर ऑटो स्मेल्टर जिसमें मैंने स्पॉन्ज डाला था, पता नहीं अभी तक ये ड्राई क्यों नहीं हुआ, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, हम नेदर में जाके ड्राई कर देंगे। और यहाँ नीचे में मैं कुछ रूम्स बना रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड का रूम है और यहाँ पे मेरे एन्चांटमेंट टेबल का। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे और कौन से रूम ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी बना दूं। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पे हम और कौन कौन से रूम्स को ऐड करें। और यहाँ तुम देख सकते हो पॉन्ड में हमारे पास दो एक्सेलॉटल है, दो मेरे बहुत ही प्यारे एक्सेलॉटल है जिसमें से एक का नाम छिपकली और एक का नाम चिमकांडी है। और यार एक काम करते हैं ना, ये लोग कहाँ ऐसे नाले में रहते हैं तो इनके लिए ना एक घर बना लेते हैं अपन, ताकि ये लोग अच्छे से खुल के जी सके। अब इनका घर बनाने के लिए मेरे को लगेंगे बहुत सारे ग्लास, और ग्लास मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि लास्ट टाइम तुमको याद होगा मैंने ड्रेन किया था एक ओशन मॉन्यूमेंट जिससे हमारे पास बहुत सारे सैंड बच गए थे। तो मैं सोच रहा हूँ सारे सैंड को कन्वर्ट कर दे हम ग्लास में, ताकि हम एक एक्वेरियम को बना सके। बट इस एक्वेरियम को बनाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को ये लैंड को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग 45 रेडियस का छोटा सा एक्वेरियम इन लोगों के लिए काफी होगा। ओके, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा एरिया माइन कर लिया है। अब यहाँ पे बस मैं एक 45 रेडियस का सर्कल मार्क कर देता हूँ ताकि देख सके हम कि हमको और कोई एरिया तो माइन नहीं करना है ना। पहली बार तो देखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा सर्कल चूज किया है। ऑनेस्टली माइन करने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तुम देख सकते हो मेरा पिकैक्स और मेरा शवल कितना ज्यादा लो हो रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ देखते देखते मैंने जो सोचा था कि इनके लिए एक छोटा सा घर बनाना है वो अब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है हमारे लिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दिन रात म्यूजिक सुनते सुनते मैंने ये पूरे के पूरे एरिया को क्लियर कर ही लिया। लेकिन अभी हमारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है क्योंकि पीछे वाले एरिया को भी क्लियर करना है और उसमें भी हमको इतना ही टाइम लगने वाला है। लेकिन उसके पहले तुम देख सकते हो मेरा पिकैक्स कितना ज्यादा लो हो चुका है, तो हम जाने वाले नेदर में ताकि मैं अपने पिकैक्स को रिपेयर कर सकूं। और तुमको मेरा प्यारा सा एक्सपी गोल्ड फार्म तो याद ही होगा जो मेरे सारे टूल्स को 1 से 2-3 सेकंड में आराम से रिपेयर कर देता है। और सारे टूल्स को रिपेयर करने के बाद मैं वापिस आ चुका हूँ वहीं पे जहाँ से हमने चालू किया था। फिर से मेरे को बहुत सारा माइन करना पड़ेगा, इस एरिया को क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं अपने एक्वेरियम को कंप्लीट कर सकूं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया है मैंने, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्यों मैं अब सोच रहा हूँ ना इसको 4 सेक्शन में हम डिवाइड कर देंगे, 4 में भी ये 8 भी हो सकता है, जहाँ पे हर एक सेक्शन में कोई ना कोई तरीके एनिमल्स रहेंगे। एनिमल्स आई मीन फिशेस, बिकॉज यू नो ना एक्सेलॉटल के साथ कोई और फिश नहीं रह सकती क्योंकि एक्सेलॉटल ऑब्वियसली फिशेस को मार देंगे। इसलिए एक कॉन्ट्रैप्शन बनेगा एक्सेलॉटल्स के लिए, एक बनेगा बाकी फिशेस के लिए, और डॉल्फिन्स वगैरह के लिए मैं भी एक बनाऊंगा। तो फिर मैंने उन 8 में से एक सेक्शन को फिल कर दिया वाटर से, जहाँ पे मैं अपने प्यारे प्यारे एक्सेलॉटल्स को रख सकूं। एंड हमको बस ऊपर के एक लेयर को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद में नीचे का जितना भी ये मैंने ग्रास टेम्पररी लगाया है ना, इसको अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये पूरा का पूरा सेक्शन पानी से भर जाएगा। एंड एज यू गाइस कैन सी हमने इस वाले सेक्शन को अच्छे तरीके से पानी से भर दिया और मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे मैं केल्प का यूज कर लूँ क्योंकि ये रनिंग वाटर नहीं है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक लगाऊंगा ना तो ये वाटर पे ना गैप आ जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे जल्द से मैं छिपकली और ये चिमकांडी को उठा के उनके नए वाले घर में डाल देता हूँ। एंड आई थिंक उस गटर से तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा इन लोग को ये वाला घर। जस्ट लुक एट इट, मैंने सोचा था इनके लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा लेकिन अब इतना बड़ा घर बना दिया है कि इनके लिए मेरे को रूममेट्स भी लाने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ डॉल्फिन वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं ताकि इस पूरे एक्वेरियम को हम कंप्लीट कर सके। अगले दिन मैं गया नेदर में, वहां पे अपने सारे स्पंजेस को मैंने ड्राई कर लिया एंड डिसाइड किया कि यार एक बार्टरिंग ट्रेडिंग सिस्टम भी अपने को बना लेना चाहिए जिससे हम पिगलिंग्स के साथ आसानी से ट्रेड कर सके, क्योंकि यार मेरे को बहुत सारे ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ते रहती है और बहुत सारी चीजें जो हमको पिगलिंग्स के ट्रेडिंग से मिल सकती है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और मेरे घर में ही आके मेरे को धमकी देने लगे। तो मैंने क्या किया, लेकिन ये करने के बाद शायद और भी लोग गुस्सा हो गए और अपनी पूरी गैंग लेके मेरे पीछे आ गए। मैं माइनक्राफ्ट बहुत दिनों बाद खेल रहा था इसलिए मैं ऑलमोस्ट 2-3 बार मरते मरते बचा यहाँ पे। बहुत समय बाद मैंने मेरा एक टोटम यूज किया था। आई थिंक मेरे को इस गेम के और प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ यार इस गेम को खेलना। और लास्ट के ये दो कपल्स को मारने के बाद हम फाइनली रेड जीत चुके थे। ये रेड खत्म होने के बाद मैं गया अपने पिगलिन फार्म में जहाँ पे मैंने अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने बार्टरिंग ट्रेडर बनाने के लिए वो हर एक सामान ले आया है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस फार्म को कैसे बनाते हैं, ये मैंने शल्कर क्राफ्ट की वीडियो में देखा था। तो अगर तुमको भी सेम ये फार्म या ये जो भी सिस्टम है ये बनाना है ना, तो इसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से देख के जाके ये फार्म को बना सकते हो खुद से। अब यहाँ पे मेरे को सोल्ड सैंड लगाना है और मेरे लेफ्ट और राइट में जो रेड कार्पेट लगा है ना मैंने, यहाँ पे मुझे चाहिए पिगलिन। एंड तुमको हमारे ये वाले पिगलिन भैया तो याद ही होंगे जो बहुत टाइम से इस बोट में बैठे हुए हैं। अब बस इन भाई साहब को मेरे को ये सोने का लालच देके इस ग्लास के अंदर बंद कर लेना है ताकि ये जिंदगी भर हमसे ट्रेडिंग कर सके। एंड टेंशन मत लो, मैंने नेम टैग्स भी लाया है ताकि ये डिस्पॉन ना हो जाए। बस इसको अब थोड़ा सा पुश कर देते हैं। हमारे पिगी दादा के लिए नेम टैग भी हम रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। यार मैंने अभी रियलाइज किया कि मैंने इस फार्म को एक ब्लॉक थोड़ा सा नीचे बना दिया है, इसका मेरे को एक लेवल ऊपर करना पड़ेगा तब जाके फार्म प्रॉपरली वर्क करेगा। एंड एज यू गाइस कैन सी हमारा फार्म अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन ये फाइनल वर्जन नहीं है इस फार्म का। इस फार्म को मेरे को और बड़ा बनाना है ताकि हम बहुत सारे पिगलिंग्स रख सके और बहुत सारे चेस्ट लगा सके, क्योंकि मेरे को यार बहुत सारे ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो वाला फार्म हम बाद में बनाएंगे, अभी के लिए हमारे लिए इतना बड़ा फार्म काफी है। एंड अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने स्टोरेज सिस्टम को फाइनली फिनिश करूं। तुम देख सकते हो ये कैसे खुला खुला और कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ लेते हैं, लेकिन यार तोड़ते तोड़ते मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कितना स्लोली इसको ब्रेक कर रहा हूँ। तो यार मैंने बाजू में जो बीकन्स कुछ लगाए थे ना, वो मैं लेके अपने ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ ले गया था, वहां पे लगा दिए थे। तो जल्दी से चल के मैं अपने बीकन्स को लेके आ जाता हूँ। फिर मैं अपने सारे बीगन्स को घर लेके आ गया और उनको पावर अप कर लिया ताकि मैं जल्द से जल्द अपना स्टोरेज सिस्टम बना सकूं। देखो ना तो मुझे पहले पता था कि स्टोरेज सिस्टम को कैसे बनाना है, ना मुझे अभी पता है, क्योंकि तुमको पता है यार मैं बिल्डिंग में बहुत ज्यादा बेकार हूँ, बिल्ड्स मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। तो बस मैं रैंडमली ब्लॉक्स प्लेस करते जाऊंगा, देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे ब्लॉक्स को यहाँ से तोड़ देते हैं हम। ये फॉग वाला जो इफेक्ट मैंने बनाया ना, ये तो परफेक्ट लग रहा है मेरे को, तो इसको तो मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। इसको एक्सटेंड जरूर कर सकते, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना इसके ऊपर ही हम हमारे स्टोरेज सिस्टम को बनाएंगे। जब मैं ये घर बना रहा था ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को इसको किस तरीके से बनाना है। मैं बस रैंडमली ब्लॉक्स को प्लेस कर रहा था एंड मैंने रियलाइज किया कि ये जो कैल्साइट का व्हाइट कलर का ब्लॉक होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है, तो मैं तो यार इसी को यूज करूंगा। लेकिन बात यह है ना कि ये कैल्साइट के जो ब्लॉक होते हैं ये बहुत ज्यादा रेयर भी होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एमेथिस्ट जियोड में मिल सकते। मैं चले गया ओशन की तरफ ताकि मैं और एमेथिस्ट जियोड को माइन कर सकूं ताकि मेरे को ये सारे ब्लॉक्स और मिल सके। सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद फिर मैं चले गया अपने घर पे ताकि मैं अपने बिल्ड को कंप्लीट कर सकूं। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं अपने डार्क ओक से और कैल्साइट से इस घर को बना रहा हूं। तो मैंने डार्क ओक के सैपलिंग्स लिए, उनको अपने घर के बाजू में ही प्लांट कर दिया और यहां पे मैं इनको चॉप करना चालू कर दिया ताकि मेरे को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। समय आ चुका है कि मैं यहां पे जो फालतू के इतने सारे चेस्ट लगाया था इनको तोड़ दूं। एंड सो फार तुम लोग देख सकते हो कि फ्लोर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन टॉप मैं बना नहीं सकता क्योंकि तुम जानते हो बिल्डिंग मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है और बिल्डिंग का छत बनाना वो तो भाई मेरे लिए इम्पॉसिबल। देखो डिजाइनिंग वगैरह तो मेरे से होता नहीं है, तो मेरे दिमाग में बस इतना सा आया कि मैं घर के आई मीन हमारे स्टोरेज रूम के छत पे एस लिख देता हूँ, तो आई थिंक कूल लगेगा। अब
तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा लग रहा है। अगर तुमको अच्छा लगा हो ना तो पर्पल हार्ट स्पैम कर देना कमेंट्स में, और अगर तुमको बुरा लगा हो तो यार ब्लैक हार्ट स्पैम कर देना वो टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे बकेट्स क्राफ्ट किए, क्योंकि यार अब मैं सोच रहा हूँ अपने एक्सेलोटर्स को ना एक नेबर भी प्रोवाइड कर ही दिया जाए, और मैं सोच रहा हूँ उनके बाजू में ना हम रखेंगे टैक्टिकल नहीं क्या बोलते उसको, ट्रॉपिकल फिशेस को, ताकि हमारे एक्सेलोटर लोग अकेला फील ना करें। फिर मैं चले गया अपनी एक जर्नी पे जहाँ पे मेरे को मिला वार्म ओशन। और तुमको अगर पता नहीं हो तो वार्म ओशन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रॉपिकल फिश स्पॉन हो सकती है, और ये कहीं पे भी स्पॉन नहीं होती है। फिर मैंने बहुत सारे ट्रॉपिकल फिशेस को अपने बकेट में डाला, और यहाँ पे जितना भी तुम कॉरल देख सकते हो ये सबको मैंने कलेक्ट किया, क्योंकि मेरा जो इतना बड़ा मैंने एक्वेरियम बनाया है ना, वहाँ पे हम ट्रॉपिकल फिशेस के लिए उनका खुद का एनवायरनमेंट बनाएंगे। फिर मैं गया अपने एक्वेरियम पे, सारे चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं सारे फिशेस को उनके पॉन्ड के अंदर डालने लगा। लेकिन यार इतने सारे फिशेस डालने के बाद भी ना ये थोड़ा एम्प्टी सा लग रहा था, तो इसको डेकोरेट करने का टाइम आ चुका था। मैंने बाजू वाले लेक से जितने भी मेरे को सैंड मिल सकते थे ज्यादा से ज्यादा मैंने वो कलेक्ट कर लिया, ताकि मैं अपने इसके बेस को ना सैंड का बना सकूं, ताकि एक बीच की वाइब दे सके और एक ना ओशन की वाइब दे सके। फिर मैंने जितने भी सैंड कलेक्ट किए थे उनको बॉटम लेयर में प्लेस कर दिया, बट जैसे कि तुम देख सकते हो अभी भी ये बहुत एम्प्टी लग रहा था, और ये ना ओशन वाली ना उतनी ज्यादा वाइब नहीं दे रहा था। तो अगले दिन मैंने जितने भी कॉरल लेके आए थे ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया इस एक्वेरियम के अंदर लगाना, और इसको लगाने के बाद यार गाइस लिटरली ये एक्चुअल मेरे को ओशन वाली वाइब दे रहा है। तुम देख सकते हो बाकी के सारे फिशेस भी यहाँ पे कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, और ये कितना ज्यादा रंग बिरंगा लग रहा है। इस पफा फिश को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये आई थिंक मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, इसलिए बार बार किस करने आ जाता है यार। एंड जस्ट लुक एट इट गाइस, हमारा एक्वेरियम कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इवन तो हमने सिर्फ इसके बॉटम पार्ट को फिल किया, ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यार तुम लोग ना कमेंट्स में जरूर बताना कि इनके बाकी के सेक्शंस में ना हम और क्या क्या चीजें रख सकते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ ना ऊपर वाले फ्लोर में अगर अपन पूरी तरीके से लावा रख दे तो यार ये कितना ज्यादा कूल लगेगा। नहीं तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में तुम लोग जरूर बताना अपने आइडियाज कि हम यहाँ पे क्या रखना चाहिए। उसके अगले दिन मैं गया अपने नेदर में, वहां जाके मैंने अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया, और यार ये लेवल अप करते करते ना मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट 700 डेज होने वाले, लेकिन आज तक हमारे पास एक भी एनचांटेड गोल्डन एप्पल नहीं आया है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट एनचांटेड गोल्डन एप्पल ढूंढने जाए, लेकिन ढूंढने में आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी मेरे को ये चीज चाहिए जो कि है बहुत सारे इलाइट्रा। तो एप्पल ढूंढने के पहले हम जाएंगे एंड में, वहां जाके हम कलेक्ट करेंगे 2-3 या 4-5 इलाइट्रास, ताकि हम कभी रुके ना और हम एनचांटेड गोल्डन एप्पल्स ढूंढ सके आराम से। तो मैं आ गया अपने एंड सिटीज में, यहाँ पे मेरे को अब चाहिए था कि मेरे को ऐसे एंड सिटीज मिले जहाँ पे हो बोर्ड, ताकि मैं इलाइट्रास कलेक्ट कर सकूं। तो बिना टाइम तुम्हारा वेस्ट किए मैं दिखा देता तुमको कि मेरे को पहला इलाइट्रा मेरे एकदम जल्दी तो नहीं, मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दूर आना पड़ा, लेकिन 10,000 ब्लॉक्स दूर आने के बाद हमको हमारा पहला इलाइट्रा मिल गया। और हाँ बाकी के इलाइट्रास ढूंढने में भी ना मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन यहाँ पे सारी बोरिंग चीजें हुई थी, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सिर्फ उड़ ही रहा था, इसलिए मैं तुमको इस तरीके से जल्दी से दिखा देता हूँ। फिर मैं अपने घर आ गया, और मेरे को जितने भी लूट उस एंड सिटी से मिले थे मैंने उनको एक शेल्कर बॉक्स में रख लिया, और अब टाइम आ चुका था कि मेरे इलाइट्रास को मैं अपग्रेड कर दूं, जिसका मतलब है मेरे को इसमें मेंडिंग डालना है और अनब्रेकिंग 3 की बुक डालनी है। यार ये कितने ज्यादा बार टकटक हुआ ना। चलो अब एक काम करते हैं ना, जो भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बता देगा ना कि कितने बार करेक्टली ये टक 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 हुआ, उस कमेंट को मैं गारंटीड हार्ट दूंगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे यहाँ पे रॉकेट को क्राफ्ट कर लिया है। अब मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही लंबी जर्नी पे, ताकि मेरे को मिल सके बहुत सारे एनचांटेड गोल्डन एप्पल। वैसे आज का गोल तो हमारा होने वाला है कि सिर्फ एक एनचांटेड गोल्डन एप्पल चाहिए, बट मैं चाहता हूँ ना कि एक फ्रेम बनाओ, उसमें हमारे सारे एनचांटेड गोल्डन एप्पल्स रखो इस वर्ल्ड में जितने हमको मिलेंगे। फिर मैं निकल गया हमारी जर्नी पे एनचांटेड गोल्डन एप्पल को फाइंड करने के, और रास्ते में मेरे को मिला एक आइस पीक बायोम। यहाँ पे तुम देख सकते हो पैक्ड
आइस मेरे को आसानी से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक दो स्टैक कम से कम आइस को कलेक्ट कर लिया ताकि ये मेरे बाद में ना फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम आ सके। रास्ते में मेरे को एक रूइन पोर्टल मिला और रूइन पोर्टल के अंदर एनचार्टेड गोल्डन एप्पल नहीं मिला। यार रूइन पोर्टल के अंदर मिलता भी है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है यार मिलता था, लेकिन आज तक मुझे तो नहीं मिला। गाइस तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे को मेसा बायो मिल गया है। इतना ज्यादा रेयर होता है ना ये बायो, लेकिन डेजर्ट नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है ना तो बहुत छोटा छोटा मिल रहा है, जहाँ पे ना डेजर्ट टेम्पल अवेलेबल ही नहीं है। यार मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी वाली खराब है ना कि मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। वेल एनीवेज, बहुत ज्यादा समय के बाद हमको फाइनली एक डेजर्ट मिला डिसेंट सा, जहाँ पे मेरे को मिला एक डेजर्ट टेम्पल। एंड कमाल की बात तुमको पता है क्या है, बहुत ही ज्यादा कमाल की बात, उस डेजर्ट टेम्पल के अंदर हमको हमारा फर्स्ट नॉच एप्पल मिल भी गया। हाँ ये ढूंढने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगा, 1 से 1.5 घंटे लग गए, लेकिन हमारे पहले डेजर्ट टेम्पल के अंदर ही हमको एनचांटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। हाँ वो बात अलग है, इतने देर में सिर्फ एक ही एनचांटेड एक ही डेजर्ट टेम्पल मिला है हमको। यार मैं तो बहुत खुश हूँ यार, लेकिन तुम लोग देख सकते हो मैं -7000 14000 इतना ज्यादा ब्लॉक्स दूर आया हूँ, तब जाके मेरे को एक एनचांटेड गोल्डन एप्पल मिला। और घर की तरफ वापिस आते समय यार मेरे को दिखा कि मैंने एक डेजर्ट को मिस कर दिया था, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इस डेजर्ट पे कोई भी डेजर्ट टेम्पल नहीं है। यहाँ पे एक रूइन पोर्टल जरूर था, लेकिन उसके अंदर कोई खास लूट मेरे को मिला नहीं। मैंने अपना एन्चांटमेंट टेबल को रख दिया अपने एंडर चेस्ट में, और अब टाइम आ चुका था कि मैं कुछ दिनों के लिए ना यार AFK बैठूं, क्योंकि अब मुझे माइन करना है बहुत सारे एंशिएंट डेब्रीज, ताकि मैं अपने नेदर के बीकन को नेदरराइट के बीकन को बनाने के एक कदम और करीब जा सकूं। फिर बहुत दिनों के AFK बैठने के बाद मैं निकला अपने क्रीपर फार्म से और मैं गया नेदर में, जहां पे मैंने अपने इलाइट्रा को और अपने टूल्स को रिपेयर किया। और अब हम जाने वाले वापस उसी नेदर, क्योंकि अब हम जाने वाले थे वापस उसी डेजर्ट में, जहां पे मैं बहुत बहुत सारा सैंड माइन करूंगा, ताकि मैं बहुत सारे TNT बना सकूं, ताकि मैं एंशिएंट डेब्री माइन करने और TNT को फोड़ने के लिए नेदर में जा सकूं। सैंड्स को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से आ गया अपने बेस में, ताकि मैं अपने सारे सैंड और गन पाउडर को जल्दी से जल्दी TNT में कन्वर्ट कर दूं और जा सकूं नेदर में, ताकि मैं वहां पे माइन कर सकूं अपने प्रेशियस एंशिएंट डेब्रीज को। तो फिर मैं नेदर में गया और सबसे पहले तो मैंने अपने जो ये शवल तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है, ये तो मैंने ध्यान से देख लिया इसको, वरना ये आज ब्रेक हो ही जाता, इसको रिपेयर कर लिया। और फिर मैंने धीरे धीरे करके नेदर के अंदर एक ऐसा टनल बनाया जिसको मैं कभी भी ऊपर और नीचे जा सकूं। लेकिन नीचे जाने के बाद मेरे को दिखा मेरा पुराना टनल जहां पे मैंने एंशिएंट डेब्रीज को माइन किया। यार बात ये है ना कि मैंने ये टनल बनाया तो बहुत लंबा है, लेकिन हमारी किस्मत हमेशा बहुत ज्यादा खराब रही है और मेरे को ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज मिल नहीं पाया है। मे बी इस बार हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हो और हमको ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज मिल सके, लेकिन मैं पिछले बार की जैसी गलती इस बार नहीं करूंगा। पिछले बार मैं सारे TNT को एक साथ लाइन में लगा दे रहा था, जिसके कारण बहुत सारे TNT ब्रेक हो जा रहे थे और वो एफिशिएंट नहीं था। इस बार मैं 4-4 के गैप में ना एक एक TNT सिर्फ लगाऊंगा, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज मिल सके हमारे जितने भी TNT हमारे पास है उनसे। एंड लेट्स स्टार्ट माइनिंग एंशिएंट डेब्रीज। सो फार तो यार मेरे को कोई भी एंशिएंट डेब्री नहीं दिख रहा है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार हमको बहुत सारे एंशिएंट डेब्री मिल सकते। वेल TNT फोड़ने से तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एंशिएंट डेब्री मिस कर दिया था, तुम देख सकते हो। तो फाइनली हमारे को हमारा फर्स्ट एंशिएंट डेब्री मिल चुका है, लेट्स गो। और आई थिंक हमारी किस्मत अब वॉक करना चालू कर दी थी, क्योंकि धीरे धीरे करके मेरे को और भी बहुत सारे एंशिएंट डेब्री मिले जा रहे थे जैसे जैसे मेरे TNT फटे जा रहे थे।
गाइस ऑल आई वांटेड कि मेरे को ना एक स्टैक मिल जाए एंशिएंट डेब्री, लेकिन यहाँ पे टीएनटी थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा कि एक तो अपन तोड़ ही सकते हैं और उसके बाद मेरे को एक स्टैक से थोड़ा सा एकदम हल्का सा ज्यादा मेरे को मिल गया एंशिएंट डेब्री। और अब टाइम आ चुका था घर वापस जाने का, और घर वापस जाने का सबसे इजी आइडिया लगा मेरे को कि मैं ऊपर डिग कर लेता हूँ। ऊपर में लावा जरूर है, लेकिन अगर मैं एक और टोटम अपने हाथ में रख लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा फायर रेजिस्टेंस का इफेक्ट, जिससे मैं आराम से स्विम करके ऊपर जा पाऊंगा। और इसी तरीके से मैंने रॉकेट का इस्तेमाल करके अपने आप को इस लावा की पूल से बचा लिया। फिर एक बार और मैंने अपने पिकेक्स को रिपेयर किया, क्योंकि तुम देख सकते हो इस बार मेरा पिकेक्स ऑलमोस्ट टूटने वाला था। उसके बाद मैं घर आ गया और मैं कुछ दिन तक एएफके बैठा हुआ था अपने गोल्ड फार्म में भी, ताकि मेरे को बहुत सारे गोल्ड मिल सके। और अपने एंशिएंट डेब्रिस को जल्दी से मैंने लगा दिया स्मेल्टिंग के लिए, और इतने सारे एंशिएंट डेब्रिस को मेल्ट करने के बाद मेरे को पूरे के पूरे 4 नेदरराइट के ब्लॉक मिले। हाँ, देखने में ये शायद कम लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और हाँ, मैंने तुमको स्टार्ट में बोला था ना कि शायद मैं अपने जो ये एक्वेरियम है उसके ऊपर पूरा लावा रखने वाला हूँ, लेकिन लावा सिर्फ नेदर से मिलता है और मैं बार बार नेदर तो जाने से रहा। तो मैं सोच रहा हूँ ना, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने लिए एक लावा का फार्म बनाऊँ। हाँ, हम एक्चुअल में लावा का फार्म बना सकते हैं, और ये फार्म बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ ड्रिपस्टोन चाहिए और कोल्ड रेन चाहिए, और हमारा ये पूरा का पूरा फार्म रेडी हो जाएगा। क्योंकि ड्रिपस्टोन के ऊपर अगर अपन लावा को डाल देंगे तो वो हमारे लावा को अनलिमिटेड कर देगा। इवन तो इस फार्म को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊंगा, तो इसका नाम मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना यार, ड्रिपस्टोन का जो ये पॉइंटेड ड्रिपस्टोन है ना, इसको मैं ड्रिपस्टोन के जो ब्लॉक होते हैं ना, सिर्फ उसी पे लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जाने वाला हूँ एक एडवेंचर पे फिर से, जहाँ पे मेरे को केव्स मिलेंगे जहाँ पे मैं ड्रिपस्टोन फाइंड कर सकूं। और उसके बाद मैं गया एक ऐसे केव में जहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत ड्रिपस्टोन मिल गए, तो मैंने वहां से जितने भी ड्रिपस्टोन के ब्लॉक्स हो सकते थे वो सारे कलेक्ट कर लिए। और अब टाइम आ चुका था इस फार्म को कंप्लीट करने का। बेसिकली यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन अब बन चुका है, मेरे को बस ऊपर में लावा को रख देना है और हमारा काम पूरा यहाँ पे हो जाए। दिस विल बी माय एएफके स्पॉट, जहाँ पे मैं बकेट को लेके एएफके खड़ा रहूंगा। नाउ एज यू गाइस कैन सी, मैंने अपने सारे लावा को इसके अंदर डाल दिया नेदर से लाके, और ये फार्म बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो इतने कम टाइम पे हमारे पास कितना सारा लावा का फ्री बकेट आ चुका है। एंड तुम टेंशन मत लो, हाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तुमको इस फार्म का लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से जाके देख सकते हो और खुद अपने वर्ल्ड में इस फार्म को बना सकते हो। वेल, अभी तो मैं इस लावा को पोर नहीं कर सकता हमारे एक्वेरियम में, क्योंकि यार टाइम हो चुका है, 700 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो हम करने वाले हैं 800 डेज में। तो अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि तुमको भी पता चलता रहे कब ये वीडियोस आने वाली है और इस वर्ल्ड में हम क्या क्या एक्साइटिंग और ज्यादा चीजें करने वाले हैं। तो यार मेरे इंस्टाग्राम को भी तुम जरूर फॉलो कर लेना, ताकि वहां पे भी तुमको स्नीक पीक्स और अपडेट मिल सके, और डिस्कॉर्ड भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।